अवसर मिल रहे हैं। वरीय छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय नए विद्यार्थियों का स्वागत तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बड़े उत्साह के साथ दीक्षारंभ कार्यक्रम में भाग लिया और नए विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को परिसर भ्रमण तथा भोजन का अपने से प्रबंध किया। सभी वरीय छात्रों ने, मैं उनका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमें नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट प्राप्त करने में कामयाबी मिली है। इस योजना के तहत हमने 9 कार्यशालाएं, 10 सेमिनार का आयोजन किया। इस परियोजना से छात्रों एवं अध्यापकों को विदेशों में प्रशिक्षण व अनुसंधान की व्यवस्था की जा रही। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीकी मंत्रालय से कृषि मंत्रणा एन AI बेस्ड मल्टी मॉडल डायलॉग सिस्टम फॉर फार्मर्स, इस परियोजना के लिए 22 लाख रुपये का अनुदान हमारे महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किया गया है। ICR नई दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड के द्वारा उत्तर बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन विकास हेतु कम लागत के नए मॉडल पर अनुसंधान करने के लिए 1,25,00,000 रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। प्रदेश के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की पहल पर भारत सरकार से भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत ज़्यादा दूध देने वाली देशी गाय के त्वरित प्रजनन का कार्य भ्रूण प्रत्यारोपण से किया जाएगा। इस परियोजना से हमारे छात्रों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की मजबूत नींव रखने तथा गुणवत्ता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें देश और विदेश के जाने माने वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में देश में पहल करते हुए एनिमल वर्चुअल डिसेक्शन टेबल इंस्टॉल किया गया है। मानव चिकित्सा में यह सुविधा भारत के कुछ मेडिकल संस्थानों के उपयोग में है, परंतु पशु विज्ञान के क्षेत्र में यह उपकरण पूरे भारत में पहला है जिसे बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना विभाग में लगाया गया है। इस तकनीक के आने से छात्रों को पशु शरीर रचना और शल्य चिकित्सा को समझने और अपनाने में आसानी होगी। बिहार सरकार वित्त विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में क्रय प्रक्रिया यानी परचेज का पूरा काम जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विगत वर्ष में हमने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोस्टर निर्वाचन की प्रक्रिया में रिक्त शैक्षणिक पदों पर बहाली का कार्य प्रगति पर है। इन पदों पर भर्ती के साथ ही विश्वविद्यालय में स्वीकृत अधिकतर पद भर दिए जाएंगे। स्वच्छ परिसर विकसित करने हेतु लक्षित 74 नए प्री फैब्रिकेटेड शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें टाटा फाउंडेशन से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल लागत का 60% अनुदान प्राप्त हुआ है। वन महोत्सव के असर पर बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए हमारे कार्य को बिहार सरकार द्वारा सराहा गया है। पुराने भवनों का जीर्णोद्धार करके उन्हें बहुउपयोगी बनाया गया है। वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। पशुओं के इंडोर चिकित्सा की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें चिकित्सा के सभी उपकरण, आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब, हर तरह के ऑपरेशन की सुविधाएं, इंटेंसिव केयर यूनिट और किसानों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन हेतु 310 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल भवनों पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 264 किलोवाट क्षमता वाले नए संयंत्र के लिए ब्रेडा से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। नए आधारभूत संरचनाओं में 2 मंजिला अकादमिक भवन एवं लिफ्ट सुविधा युक्त 4 मंजिला आधुनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबंधन बोर्ड, विद्वत परिषद, शोध परिषद, प्रसार शिक्षा परिषद एवं वित्त समिति बनाई गई है तथा जरूरत को ध्यान में रखकर समय समय पर बैठकें आयोजित करके विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोग से सिपाया गोपालगंज में एक नया भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 90 एकड़ भूमि का अधिग्रहण विश्वविद्यालय को दिया गया है। आगे पशु चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज में प्रस्तावित है, जो प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पशु विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने के बारे में भी प्रक्रिया चल रही। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक, शोधकर्मी, विद्यार्थी तथा कर्मचारी एकजुट होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले महान दार्शनिक अरस्तु के ये शब्द दोहराना चाहूँगा, एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड ए रिफ्यूज इन एडवर्सिटी। सरल शब्दों में कहूँ तो शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और आपदा में एक शरण स्थली है। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार में शिक्षा रोशनी लेकर आता है।
मेरे प्यारे छात्रों, मुझे यकीन है कि विश्वविद्यालय से हासिल हुई ये रोशनी जिंदगी के हर दौर में आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं आप सबों को उज्जवल भविष्य के लिए बेशुमार शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी और पूर्व छात्र मानते हैं कि विश्वविद्यालय पशु विज्ञान में शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हम सब मिलकर विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह निश्चित रूप से हमारे भाग्य में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करने का सही क्षण है। मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले पुनः महामहिम कुलाधिपति का विशेष अभिनंदन करता हूं और आप सभी अतिथिगण और यहां पर उपस्थित सभी सज्जनों देवियों का हार्दिक आभार एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं अब अधिष्ठाता स्नातकोत्तर से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया MVSC मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। महामहिम कुलाधिपति, मैं आपके समक्ष पशु चिकित्सा संकाय के उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है तथा उन्हें MVSC की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि इन्हें उपाधि से विभूषित करें। ये छात्र हैं संजना, हेमंत कुमार, बाबुल, अवधेश कुमार, सुमन कुमार प्रसाद, हितेश पुरोहित, उग्नेश्वर नारायण दुबे, रवि रंजन कुमार। महामहिम कुलाधिपति महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलाधिपति के रूप में निहित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आप सबको MBFSC उपाधि प्रदान करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि आप अपने जीवन तथा कार्यकलापों में स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करें। मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करें। यही पर आगे सर्वप्रथम संजना, हेमंत कुमार, हेमंत कुमार, बाबुल कुमार, अवधेश कुमार, सुमन कुमार प्रसाद, हितेश पुरोहित, उग्नेश्वर नारायण दुबे, नीचे ही रहेगा, रवि रंजन कुमार,
मैं अधिष्ठाता पशु चिकित्सा संकाय से अनुरोध करता हूं कि बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। महामहिम कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें बीबीएससी एनएच की उपाधि के योग्य पाया गया है। ये नाम है सौरभ स्वामी, कोमल, प्रकाश कुमार चौधरी, सुधीर कुमार, अर्जुन कुमार मंडल, सुनील कुमार टुडू, धीरज प्रसाद, संजीव कुमार, अज्ञे पुष्प, अनिल कुमार कुशवाहा, सुधीर कुमार ठाकुर, प्रणव कुमार, धीरेंद्र कुमार, श्वेता कुमारी, कुमारी प्रसन्ना सिन्हा, निखिल राज, रंजू कुमारी, अरुण कुमार, नीतीश कुमार, नितिन कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार झा, दीपशिखा राज, अभिषेक दीप, प्रीति रंजन, पिंकी रानी, आयुष रंजन, ओम प्रकाश, भारतेंदु बिमल, मोहम्मद इब्राहिम खान, अजीत शेखर, अमन कुमार, अजय कुमार, ब्रजेश कुमार और रुपेश कुमार पासवान। मैं महामहिम कुलाधिपति से सादर अनुरोध करता हूं कि बीबीएससी एनएच एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि प्रदान करें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलाधिपति के रूप में निहित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आपको बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की उपाधि प्रदान करता हूं। तो आदेश देता हूं कि आप अपने जीवन तथा कार्यकलापों में स्वयं को सदैव इसके योग्य सिद्ध करें। श्रीमान कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष उन उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जिन्हें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि के लिए योग्य पाया गया है। आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें उक्त उपाधि से अलंकृत करें। इनके नाम हैं अविनाश चंद्र गौतम, दीपक मंडल, मोहम्मद सिराजुद्दीन, प्रदीप कुमार, शुभम जय सूर्या, अफजल सादिक, राहुल कुमार नितिन, राहुल राज, जितेंद्र कुमार, शिल्पा सिंह, रजत कुमार, खुशबू कुमारी, बिपिन बिहारी, सुमित कुमार, तेजस्वी राज, रितेश कुमार। महोदय से, कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि वे इन सबको डिग्री प्रदान करें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलाधिपति के रूप में निहित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की उपाधि प्रदान करता हूं। तो यह आदेश देता हूं कि आप अपने जीवन तथा कार्यकलापों में स्वयं को सदैव इसके योग्य सिद्ध करें। मैं बीबीएससी एनएच डिग्री प्राप्त करने के लिए नाम बुलाऊंगा, आप लोग आए। सौरभ स्वामी, कोमल, डिग्री इधर आ जाइए, सौरभ स्वामी,
कोमल, प्रकाश कुमार चौधरी, सुधीर कुमार, अर्जुन कुमार मंडल, सुनील कुमार टुडू, धीरज प्रसाद, धीरज प्रसाद, संजीव कुमार, अगे पुष्प, अनिल कुमार कुशवाहा, शिशिर ठाकुर, प्रणव कुमार, प्रणव कुमार, धीरेन्द्र कुमार, श्वेता कुमारी, कुमारी प्रसन्ना सिन्हा, निखिल राज, रंजू कुमारी, अरुण कुमार, अरुण कुमार, नितिन कुमार, मनीष कुमार मुखर्जी, मुकेश कुमार झा, दीपशिखा राज, अभिषेक दीप, प्रीति रंजन, पिंकी रानी, आयुष रंजन, ओम प्रकाश, भारतेंदु विमल, मोहम्मद इब्राहिम खान, अजीत शेखर, अमन कुमार, अजय कुमार, रुपेश कुमार पासवान, प्रमोद रंजन,
मेनका कुमारी, प्रवीण कुमार सिन्हा। अवधेश चंद्र, दीपक कुमार, यहां जाएंगे ना, अवधेश चंद्र, दीपक कुमार, मोहम्मद मेराजुद्दीन, प्रदीप कुमार, शुभम जयश्रीय, अफजल सादिक, राहुल कुमार, राहुल राज, जितेंद्र कुमार, शिल्पा सिंह, रजत कुमार, खुशबू कुमारी, विपिन बिहारी, सुमित कुमार, तेजस्वी राज, रितेश कुमार, धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय आपसे अनुरोध करता हूं कि उन समस्त उम्मीदवारों जिनकी परीक्षाएं ले ली गई हैं और जो संबंधित उपाधियों के योग्य पाए गए हैं परंतु इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने में असमर्थ हैं को भी क्रमशः उनकी विभिन्न उपाधियां उनकी अनुपस्थिति में प्रदान करने की कृपा करें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलाधिपति के रूप में नित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उन उम्मीदवारों को जिनकी परीक्षाएं ले ली गई हैं और जो विभिन्न उपाधियों के योग्य पाए गए हैं परंतु दीक्षांत समारोह में भाग लेने में असमर्थ हैं को भी क्रमशः उनकी विभिन्न उपाधियां प्रदान करता हूं। मैं अब सभी उपाधि करता हूं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैं अपने कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इन्हें दीक्षा उपदेश के लिए मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि मेरे साथ द्वारा बोले गए प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं अपना नाम लेंगे जो आज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से उपाधि ग्रहण करने जा रहा हूँ पूरे मन कर्म वचन
एवं निष्ठापूर्वक यह प्रतिज्ञा करता हूं कि विश्वविद्यालय में रहकर मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया और सीखा है उसका अपने जीवन में निरंतर परिमार्जन करते हुए सदैव लोक कल्याण एवं राष्ट्र सेवा हेतु प्रयोग करूंगा। मेरे जीवन का यह उद्देश्य होगा कि मैं सदैव जीवन में पूरी तरह स्वार्थ विहीन रहकर सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूं। मैं सदैव प्रयास करूंगा कि अपने विश्वविद्यालय के सिद्धांतों एवं अपेक्षित कर्तव्यों के अनुकूल स्वयं को सिद्ध कर सकूं। मैं सदैव अपने राष्ट्र और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखूंगा। आपका जीवन मंगलमय हो। मैं अब माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं कि वे महामहिम कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक विजेताओं को पदक प्रदान करने के लिए अनुरोध करें। मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वर्ण पदक विजेताओं को पदक प्रदान करने की कृपा करें। मैं अब नाम बोल रहा हूं, डॉक्टर संजना। डॉक्टर संजना बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के 2017-18 बैच में एमबीएससी माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा थी। इन्होंने अपने बैच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इनका ओजीपीए 8.816 रहा है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी मेडल फॉर टॉपर से नवाजा जाता है। डॉक्टर सौरभ स्वामी। डॉक्टर सौरभ स्वामी बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के 13-14 बैच में बीबीएससी एनडीएच के छात्र थे। इन्होंने अपने बैच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इनका ओजीपीए 8.376 रहा है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी मेडल फॉर टॉपर से नवाजा जाता है। खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के 2014-15 बैच में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की छात्रा थी। इन्होंने अपने बैच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इनका ओजीपीए 7.777 रहा है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी मेडल फॉर टॉपर से नवाजा जाता है। डॉक्टर आकृति अन्ना, ये अभी प्रेजेंट नहीं है, मैं इनका सिर्फ साइटेशन पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर आकृति अन्ना बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना के 14-15 बैच में बीबीएससी एनडीएच की छात्रा थी। इन्होंने अपने बैच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इनका ओजीपीए 8.792 रहा है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी मेडल फॉर टॉपर से नवाजा जाता है।
कांग्रेस अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सह सचिव कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग भारत सरकार से दीक्षांत भाषण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करें। राजभवन में ही मिलवा मैं डॉक्टर मंगला राय पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सह सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग भारत सरकार नई दिल्ली एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व सलाहकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अपना दीक्षांत भाषण प्रस्तुत करें। प्रथम दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय फागु चौहान जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, विश्वविद्यालय के यशस्वती कुलपति प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी, महामहिम के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, विभागीय सचिव डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी जी, प्रबंध मंडल एवं शिक्षण परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकाय के सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, महामहिम जी 1981-82 में जब मैं देश में तिलहनी फसलों का समन्वयक हुआ करता था तो सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा कृषि विश्वविद्यालय में इस प्रदेश में आया था। उस समय कुलपति थे प्रोफेसर त्रिवेदी जी। जब मैं सहायक महानिदेशक हुआ तो सारे कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर अहमद, उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शिक्षा विभाग के प्रमुख थे, वो उस समय के इस कॉलेज के डीन भी हुआ करते थे। प्रोफेसर मिश्रा जी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे। आज इस सभागार में तीनों महान भावों की उपस्थिति देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें दीर्घायु बनाएं, जिससे इस देश के उन्नयन विकास के लिए उनका सतत योगदान मिलता रहे। महामहिम जी वैसे मैंने अपने जीवन काल में कोई दीक्षांत समारोह में कोई डिग्री नहीं ली। मुझे गोल्ड भी मेडल भी मिला था लेकिन वो सुअवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि कन्वोकेशन नहीं हुआ था। तो जिन्होंने आज डिग्री पाई उनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने मेडल अर्जित किए उनके लिए बस इतना ही कि एक बार जीतिए, हजार बार जीतिए, जीतने की चीज हो तो बार बार जीतिए। महामहिम जी आज से 3 दशक पहले जब ये पशु चिकित्सा महाविद्यालय हुआ करता था पूसा विश्वविद्यालय के अंदर, तो उस समय मैं तिलहनी
फसलों में जो 5 देश में मिशन चल रहे थे उसका विशेष कार्याधिकारी के रूप में आया था और उसी सभागार में देश में पहली बार निर्णय लिया गया था कि किसान के खेतों पर प्रक्षेत्र प्रदर्शन होंगे और एक प्रदर्शन का उस समय 160 रुपया मिलता था। पैसे नहीं होते थे देश के पास तो सेस फंड से 29 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी और पहले वर्ष में ही 9 लाख रुपया खर्च हुआ और उसका इतना अद्भुत परिणाम आया कि देश में करोड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत होने लगी। इसलिए आत्मावलोकन का अवसर अवश्य है कि इस निवेश का परिणाम आज क्या मिल रहा है। जब मैं विशेष कार्याधिकारी के बाद रिटायरमेंट के बाद माननीय मुख्यमंत्री का सलाहकार था तो मैंने एक आत्मावलोकन किया, प्रदेश की परिस्थितियों को देखा और ये समझा कि आंध्र प्रदेश में 2 लाख एकड़ में मछली का उत्पादन होता है और पूरे भारतवर्ष में जाता है, बिहार प्रदेश की तो उस समय की 40% आवश्यकता वहां की मछली से होता था। विजय लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि अब मछली में आप आत्मनिर्भर हो गए। आठ लाख एकड़ चौर लैंड बिहार में है, मेरे मन में आता था कि देश ही क्या आप साउथ ईस्ट एशिया को मछली खिला सकते हैं, तो आवश्यकता है इस पर निवेश करने की, निरंतर काम करने की। इसीलिए जब मैं उप महानिदेशक फसल विज्ञान हुआ करता था, कुलपति जी फसल विज्ञान का उप महापति आधारशिला रख गया था आज से 22 वर्ष पहले पूसा में और आज जो कॉलेज है, पर आगे बात नहीं बढ़ी थी। मुझे याद आता था कि आपके कॉलेज के पढ़े हुए सीएम सिंह, मैं नहीं जानता कि देश में वेटरनरी साइंस में उनका कोई जोड़ीदार देश में था, वो आपके कॉलेज से निकले। इसलिए मेरे मन में आया कि यहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। मैंने जब अपने मित्रों से सरकार में कहा तो सबने कहा ये नहीं होगा, ये मत आप बोलिएगा। अब कृषि कैबिनेट में मुझे प्रेजेंटेशन देना था और मैं कन्विंस था, मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बिना एजेंडा आइटम के मैंने उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें कहा कि ये विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने कहा अप्रूव्ड। मैंने दूसरी बात कही थी कि जब तक मनुज का सुखभाग नहीं सम होगा, समित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। ये आपके प्रदेश से निकला, मैंने कहा गरीब जो देहात के लोग कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, आप अपने सीमित साधनों से कुछ पैसे निकालिए और हर छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप दी जाए। गरीब प्रदेश था बट मन का बहुत धनी प्रदेश था, इसलिए यही मात्र प्रदेश इस पूरे देश में है जिसमें जितनी छात्र छात्राएं पढ़ती हैं सबको स्कॉलरशिप प्रदेश सरकार देती है। ये भी अप्रूव हुआ था बिना एजेंडा के। ये दो उदाहरण देकर के मैं प्रगतिशील प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता। अब रही बात आगे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहूंगा। देश में 6 गुना अन्न का उत्पादन बढ़ा तो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा और उसी समय में देश में 10 गुना दूध उत्पादन बढ़ा, 10 से 12 गुना फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ा, उसी समय में 15 गुना मछली का उत्पादन बढ़ा और उसी समय में 50 गुना अंडे का उत्पादन इस देश में बढ़ा। आबादी 3 गुना हो गई, क्षेत्रफल का वहीं रहा, पर आज आपके भंडार भरे हुए हैं।
इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा छात्रों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों के और साथ ही साथ देश के समस्त किसान भाइयों को। अब अंडे का जो ग्रोथ रेट है आपको दुनिया में खोजना पड़ेगा। विगत 40 वर्षों में अंडे का कंपाउंड ग्रोथ रेट 20% पर ईयर है और 1997 से 2003 तक तो ये 40% प्रतिवर्ष के ग्रोथ रेट से बढ़ा है। कभी सुना है आपने? तो मेरे मन में ये कल्पना थी कि पशुधन, अंडा उत्पादन, मत्स्य पालन, ये जो है इस देश की अर्थ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाएगा और सबसे बड़े इंक्लूसिव ग्रोथ का मूल मंत्र बनेगा। मैं सचिव और उनके समस्त अधिकारियों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस प्रदेश में भी 66% अंडे का उत्पादन बढ़ गया। बधाई हो। पर उस दिन बधाई देने बिना बुलाए आ जाऊंगा जिस दिन कम से कम 30% का कंपाउंड ग्रोथ फिशरीज में आप प्रति वर्ष 1-2 दशक तक लेंगे। ये संभव है। आगे रामेश्वर सिंह जी भी बहुत बधाई के पात्र हैं। देश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां इतने कम समय में इतना उन्नयन और विकास का काम हुआ हो और इतना सुचारू रूप से मार्ग प्रशस्त हुआ। मैंने वो दशा भी आपके ऑपरेशन थिएटर की देखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप उन्हें कहें उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तो आपको देश का वो मिला जो किसी के पास नहीं है। तो आप भी बधाई के पात्र हो कि आपने वो बनाया। पर सरकार को आश्वस्त होना चाहिए कि आपके कार्यकाल में 3 गुना पशुओं का हेल्थ का काम बढ़ गया, ऑपरेशन से लेके मेडिसिन 3 गुना बढ़ा। मैं आश्चर्यचकित हुआ और जब मैंने जानना चाहा कि स्टाफ तो नहीं हुआ तो एक चीज जान के मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हुई। इन्होंने कहा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपाउंडर का काम करते हैं। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे याद आ गया यगस्त पाथोदी यद कृदम कराम भोज कुहरे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महत्वम न उपकरणे। किसी कार्य की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर है, बड़े बड़े उपकरणों पर नहीं। वो आपने सिद्ध किया इसलिए आपको बधाई। बच्चों आज दीक्षांत समारोह है, मुझे तो कभी दीक्षा मिली नहीं क्योंकि 16 डीएससी की डिग्री मिली, एक में आपका भी मिला। अब उसमें मुख्य अतिथि मैं ही रहता था तो दीक्षांत भाषण मैं ही देता था, तो मैंने सोचा मैं बड़ा अनलकी आदमी। पर मैं पीछे मुड़ के देखा कि मेरे को मेरे जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा स्कूलों में मिली लेकिन दीक्षा क्या मिली। तो मुझे याद है जब मैंने पीएचडी की थेसी जमा की थी मैं अपने प्रोफेसर का अंतिम स्टूडेंट था, तो वो आगे आगे चले मैं पीछे पीछे। उस जमाने में बोलने की और सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो बनारस में दुर्गा मंदिर जा रहे थे, वो पीछे मुड़े और बोले माय बॉय यू आर ए ड्रॉप इन द ओशन बट यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी देयर। वो शायद मेरे से बहुत खुश थे इसलिए थोड़ा और आगे बढ़े और वो फिर मुड़े और उन्होंने कहा इफ यू हैव टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स यू हैव टू प्रिपेयर डेज टुगेदर एंड इफ यू हैव टू स्पीक आवर्स टुगेदर यू नीड नॉट प्रिपेयर एट ऑल। मैंने अपने जीवन में ये 2 बड़ी शिक्षाएं प्राप्त और इनको मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी दीक्षा मानता हूं। अब दीक्षांत समारोह है, सबसे पहले
अनुशासन, अगर व्यक्ति अनुशासित हो जाए, पर हमें जानना पड़ेगा कि अनुशासन है क्या। स्वयं पर स्वयं का शासन ही अनुशासन है। अगर स्वयं पर स्वयं का शासन हो गया तो आप किसी पर भी शासन कर सकते हो, और जब किसी पर आप शासन करने जाएं तो आपको कैसा होना चाहिए, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुष्मादपि। निर्णय लेने में आपको वज्र के समान कठोर होना चाहिए, पर आपका हृदय वो निर्णय लेते समय पुष्प और पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश कोमल होना चाहिए। आपको अपने जीवन काल में यह समझना पड़ेगा कि स्वाभिमान मान में जो है चाइना की तो बहुत बड़ी वाल है, लेकिन वो चाइना वाल जीवन में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, व्यक्ति को पता नहीं लगता कि कब स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है, और कब अभिमान मान, कब मान गुमान, और कब वो ईगो से भर के आपके उन्नयन और विकास का मार्ग अवरुद्ध कर ले। जीवन में स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है, वो तो होना ही चाहिए, बट सतत ध्यान रहे कि स्वाभिमान इवन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का अभिमान करेंगे क्यों, आपके पास कितना ज्ञान है। व्हाट यू नो टुडे इज ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू डजंट नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट यू वुड बी नोइंग विल कंटिन्यू टू बी ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू वुड नॉट बी नोइंग। आज जो भी ज्ञान है वो अज्ञान का रंच मात्र है, और किसी भी देश और काल में वह रंच मात्र ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अनंत में कुछ भी लोगे, कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे तो अनंत ही बचेगा। और जब ज्ञान अनंत है बौद्धिक संपदा अधिकार के जमाने में, यही सत्य है, तो धन भी अनंत हुआ कि नहीं हुआ। आप अपने पुरुषार्थ से उसको कर सकते हैं, तो पुरुषार्थ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाज को देखेंगे। व्यक्ति समाज को बनाता है या समाज व्यक्ति को बनाता है, आप ये देखते अगर चलेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, बट उसे घबराइए मत। निंदन्ति नीति नुपुड़ा यदि वावस्तवंतु लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु आथे स्तंभ देव मरणस्तु जुगांतरे वा न्यायात पथा प्रवचलंत पद्म नदी। तथा कथित न्याय को जानने वाले आपका यशगान करें, आपकी निंदा करें। दिवाली आ रही है, पर इसमें तो यह कहा गया कि लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु आथे स्तंभ, लक्ष्मी अपनी मर्जी से आए या चली जाए, अध्यैव मरणस्तु अभी मेरी मृत्यु हो जाए या जुगों बाद हो, पर न्याय के पथ से धीर गंभीर दृष्टा चिंतक विचारक समाज में परिवर्तन करने वाले जिनको दुनिया याद करती है, वो अपने न्याय के पथ से न कभी डिगे। और आपके लिए ही दीक्षा है कि प्रयास करना कि आप उससे न डिगो। सवाल यह है कि जो आपका जीवन है जिसमें से आप निकल के आ रहे हो, तीन युग आपके सामने होते हैं। पहला युग भविष्य पीछे भूत में क्या हुआ, भविष्य की चिंताएं, और भूत और भविष्य के बीच में वर्तमान जो है आदमी भूल जाता है। वर्तमान में अगर कार्य करना सीख ले तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। होता यही है कि वर्तमान में भूत से दिमाग को भरे रहते हैं और भविष्य की चिंताओं से भयभीत रहते हैं। एक भयभीत व्यक्ति न खुद काल को आगे बढ़ा सकता है, न समाज को, न देश को। आपको चिंता मुक्त होकर के चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन करना कैसे होता है, चिंतन मनन शांत मन सोहे। जब तक आपका मस्तिष्क जो है शांत नहीं होगा, चिंतन मनन हो नहीं सकता। शांत कैसे होगा, शांत कैसे होगा, चिंतन से ही तो आपको करना पड़ेगा कि मन मस्तिष्क शांत कैसे होगा। मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, और उस मन को कि मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जो मन जो है वायु की गति से भी अभी एक मिनट में
हजारों लाखों किलोमीटर जो चला जाता है वो कैसे शांत होगा? आपको अपने एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट के गैप को भरना पड़ेगा। इफ यू आर सर्वेंट ऑफ थॉट्स, यू विल हैव टू बी सर्वेंट ऑफ एक्शंस। इफ यू आर सर्वेंट ऑफ एक्शंस, तो आप जो कुछ जीवन में सोचते हैं, जो कुछ भी कल्पना की परिधि में आ सकता है, वो व्यवहारिकता की परिधि में अवश्य आ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए सतत निरंतर प्रयास किया जाए, और तब तक प्रयास किया जाए जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाए। उसके लिए संकल्प सब की आवश्यकता होगी। सत्य जो है सृजन का द्वार खोलता है, और असत्य जो है क्षरण हरण कि द्वार की तरफ ले जाता है। तो सत्य का आपको वहां भी अनुसरण करना पड़ेगा। जहां तक बात रही आपके विषय की, चार पांच बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की किताब है, 40 वैज्ञानिकों ने दुनिया भर को मिलकर किया था, मैं ही उसको कोऑर्डिनेट किया था, सेव एंड ग्रो। 50-60 भाषाओं में उसी समय ट्रांसलेट होगी। कैसे बचाओगे, कैसे विकास करोगे, सतत विकास, टिकाऊ विकास, उसके लिए आपको देश में एक समन्वित प्रणाली बनानी पड़ेगी। पशुधन, मत्स्य पालन, बागवानी, फसल उत्पादन, सबकी प्रणाली, समेकित समग्र प्रणाली बनानी पड़ेगी। उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स और कैप्सूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। यहां मुझे लगता है कि अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है, जिसमें मुझे लगता है कि सभी विश्वविद्यालयों को साथ आकर के काम करना पड़ेगा। आज मैं कुलपति जी उन्हीं बिंदुओं को रखूंगा जहां साथ आके काम करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। दूसरा बिंदु जहां मैं सोचता हूं, मछली पालन में स्काई इज द लिमिट, बड़े कम प्रयास से बहुत कुछ पाया जा सकता है। फिंगरलिंग, सीड, फीड की व्यवस्था कर लीजिए, जो आपके अरे इस प्रदेश में, इस प्रदेश से मक्का जाता था आंध्रा, आंध्रा से अंडा आता था यहां, इस प्रदेश से मक्का जाता था वहां और मछली उत्पादन होके यहां आता था, और आपके पास क्वालिटी प्रोटीन मेज है जिसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, दो मोस्ट एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिनकी मात्रा दुगना है, जिनको खाने से बॉडी वेट बहुत निरंतर गेन होता है। तो फीड की क्वालिटी, आप यहां के उत्पाद आधारित फीड बनाइए और उस फीड से पशुधन और मत्स्य पालन को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाइए। पशुपालन का जहां तक है, चाहे वो पिगलेट हो चाहे वो चूजे हो, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब मैं पिगलेट की बात करता हूं, सुकर पालन की ले लेता हूं, जिसकी चिंता बहुत लोग नहीं करते, मैं उदाहरण वहां से लेता हूं। आपके पास उन्नतशील प्रजातियां हैं जो एक साल में एक क्विंटल बॉडी वेट गेन करती हैं, और जो लोकल प्रजातियां हैं वो 35 किलो 36 किलो, तीन गुना। अब पिगलेट आप नहीं देंगे तो उन्नयन और विकास कैसे होगा? तो अब पशुधन में भी जब आप आगे जाते हैं, आपको सेंसर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स में डीएनए वैक्सीन्स आपको बनाने ही होंगे। मुझे याद है वो दिन जब H1N1 आया था और तहलका मच गया था, तो हमने 2 महीने के अंदर इस देश में वैक्सीन डेवलप कर दी थी आपके भोपाल की लेबोरेटरी में, लेकिन वो किल्ड वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन पर आपको काम करना होगा। उस दिशा में आप आगे बढ़े तो बेहतर होगा प्रदेश के लिए, देश के लिए। आप जेनेटिक जो डिजीजेज हैं, आपके बगल में मेडिकल इंस्टीट्यूट है, 60% जो पैथोजेंस हैं वो एनिमल से आदमियों में जाते हैं और आदमियों से एनिमल में जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अलग अपने को, वो बड़े हैं तो बड़ा समझना कोई बुरी बात तो है नहीं, पर देश में क्या वेटरनरी साइंटिस्ट और ह्यूमन रिलेटेड साइंटिस्ट एक जगह आके
काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो इससे जूनोटिक डिजीजेस का समाधान जो है कैसे होगा। उसी तरह से प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन, वाणिज्य, विपणन, इनकी विधाओं पर आपको काम करना होगा। प्राइमरी प्रोड्यूस बेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या दूध बेस के आप इनकम दुगुना करना चाहें, असंभव। आपको जो है वैल्यू एडेड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स डेवलप करना है। दुनिया के मार्केट में मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, 4 गुना 5 गुना 6 गुना जो है दाम मिलता है, चाहे वो गोट चीज हो चाहे मजरेला चीज हो। पूरे विश्व की 55% भैंसे हिंदुस्तान में, मजरेला चीज प्रेसियस कमोडिटी। इजराइल किन परिस्थितियों में भैंस आपकी ले जाके रख के और मजरेला चीज बना के यूरोप की मार्केट में जाता है। इटली जो है मजरेला चीज वहां के खटाल में, हमारे देश के भाई पंजाब के ही जो है खटाल में काम करते हैं, उनको $1,000 जो है वो देते हैं। और मुझे याद है, उस बहुतों को जानता हूं क्योंकि मैं रोम बहुत जाता था, तो पीछे से कोई बाली पहने आता था, बोलता था कि अंकल जी जरा हमारा फार्म भर दीजिए माइग्रेशन का। उनको आता नहीं, अंग्रेजी भी नहीं आता। तो सवाल यह है कि जिस देश में 55% विश्व की भैंस हो और मजरेला चीज, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, जो 2,000-2,500 रुपया किलो बिकता हो, गोट चीज प्रेसियस कमोडिटी है, अगर उसको आपने मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स और चीजों से फोर्टिफाई कर दिया तो दुनिया में उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो आपका डेयरी कॉलेज एग्जिस्टेंस में आ गया, आज बच्चों को डिग्री भी मिली है। मुझे आशा ही नहीं, बर्ण पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में भी काम होगा। अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत कुछ लिखा है, बच्चों उसको पढ़ लेना। पर एक चीज मैं अवश्य कह दूंगा, ये महात्मा बुद्ध की धरती है ना, गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी ने लास्ट में क्या कहा था? अब कुलपति जी और शिक्षक गण नाराज न हो जाए, उन्होंने यही कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, कि डोंट बिलीव व्हाट इज रिटन इन बुक्स, डोंट बिलीव व्हाट इज टॉट इन द क्लास, डोंट बिलीव व्हाट हैज बीन व्हिस्पर्ड इन योर आईज। उस पर विश्वास मत करो जो किताबों में लिखा है, उस पर विश्वास मत करो जो कक्षाओं में पढ़ाया गया है, उस पर जो है कही सुनी बात पर तो विश्वास करो ही मत। सबको अपने विवेक और ज्ञान के तराजू पर तौलो, और तौलने के बाद जो तुम्हें उचित लगे, जो तुम्हारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, प्रदेश और देश के कल्याण के लिए हितकारी गुणकारी लगे, वही शिक्षा है, और उसी को अपनी शिक्षा और दीक्षा मान के आगे बढ़ो। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, जब 5 उनके शिष्य बोले कि अब तो आप रहेंगे नहीं तो हमें आगे हमारा पथ प्रदर्शन कौन करेगा, अब इनका पथ प्रदर्शन कौन करेगा आपका, अब पथ प्रदर्शन तो नहीं होगा। मैंने कहा ना, जब तक मनुज मनुज का, लेकिन दिनकर ने आगे क्या लिखा, अब याचना नहीं समर होगा, संग्राम महाभीषण होगा। संग्राम ये किसके खिलाफ आज होना है? बेकारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। तो आप अपने क्षेत्र में पशुधन को स्वस्थ रखने के खिलाफ आपको संघर्ष और युद्ध करना है। और मेरे मित्रों, युद्ध के मैदान में जो घाव गिनता है वो युद्ध हार जाता है। आपको घाव गिनने की आदत नहीं पालनी चाहिए, जो घाव नहीं गिनता है वही युद्ध हारता है, दिक्कतें तो आएंगी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्मदीपो भव, तो आप खुद आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे, आप अपना खुद लैंप पोस्ट होएंगे, और आप अपना अपने विवेक से जो भी शिक्षा दीक्षा जो है अपने तराजू पर तौल के अपना निर्णय लेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार आदरणीय श्री फागू चौहान जी, इस मौके पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति श्री रामेश्वर सिंह जी, इस मौके पर सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जी, इस मौके पर निदेशक पशुपालन श्री विनोद सिंह गुजियाल जी, इस मौके पर निदेशक गब श्री ए के झा जी, इस अवसर पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एलांटा के वरीय वैज्ञानिक और इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर शौकत कारी जी, इस मौके पर ब्रिगेडियर श्री प्रवीण कुमार जी, पूर्व कुलपति श्री आदरणीय गोपाल जी त्रिवेदी जी, पूर्व कुलपति बिरसा मुंडा कृषि विद्यालय आदरणीय डॉक्टर एच आर मिश्रा जी, इस मौके पर प्रगतिशील किसान श्री सुधांशु कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित एकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, सभी हमारे छात्र छात्राएंगण, आमंत्रित अतिथिगण, विशेषकर आज के दिन उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएंगण, उनके परिजनों, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, इस मौके पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्मानित पत्रकार मित्रों, साथियों, देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पशुधन को आदिकाल से महत्ता दी गई है। महान सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में पशुओं के साथ नागरिकों की तरह व्यवहार किया करते थे और उनके कल्याण के लिए कई पशु चिकित्सालयों को का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने अनुपयोगी पशुओं के संरक्षण के कई उपाय भी की थे एवं उनकी कोई हत्या न करे उसका आदेश निकाला। हमारे राज्य में लगभग 97.5% सीमांत एवं लघु किसान हैं, जिनके पास राज्य का 96% पशुधन जाकर के किसानों और गांव के गरीब परिवारों की आय वृद्धि के लिए पशुपालन को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। प्रदेश में पशुधन के कल्याण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें पशुओं का टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सरकार समय समय पर बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण कराने हेतु अभियान चलाती है, जिससे पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। इसी तरह पूरे प्रदेश में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा सहायता केंद्र तथा कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गए हैं, जो पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में तीसरा कृषि रोड मैप लाया गया है। पहला कृषि रोड मैप 2008 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 17 में लाया गया है और उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। हमारा दूध उत्पादन देश की औसतन वार्षिक वृद्धि दर से दोगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में बिहार प्रदेश ने पशुपालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में और मछली पालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सफलता के लिए हम विभाग के सभी पदाधिकारियों को, खासकर सचिव, डायरेक्टर और सभी पदाधिकारियों को हम बधाई देता हूँ। राज्य में कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए
शिक्षा एवं प्रसार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृषि रोड मैप इसके लिए व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना करना हमारे त्रिस्तरीय कृषि रोड मैप के लक्ष्यों के में प्रमुख रूप से दर्शाया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आज अपना प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य एवं कीमती समय दिया है। विश्वविद्यालय का विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। किशनगंज में नए मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना इसका उदाहरण है। विश्वविद्यालय बनते ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी गई जा करके है। पारदर्शिता को प्रमुखता देने के लिए ई प्रशासन प्रणाली अपनाई जा रही है और मुझे खुशी है कि हमारे जो कुलपति हैं जाकर के उनके कुशल अगुवाई में हमारा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा जाकर के। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में अच्छी सफलता पाई है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण और सुधार परियोजनाओं के लिए बाहरी स्रोतों से बड़े पैमाने पर अनुदान प्राप्त किया है। स्वच्छ और हरा भरा परिसर देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है। मैं अल्पावधि में उत्कृष्ट कार्य और अर्जित उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय के फिर से मैं माननीय कुलपति महोदय का, रामेश्वर बाबू का, उनके सभी अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का, कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जाकर। विश्वविद्यालय का समाज के प्रति विशेषकर किसानों के प्रति उत्तरदायित्व है। ज्ञान का लाभ समाज तक पहुँचे इसके लिए विश्वविद्यालय को गांव से जोड़ने का काम करना होगा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक तथा ज्ञान का लाभ जब गाँव गाँव जाकर पहुँचे, वहाँ के पशुपालकों की आवश्यकताओं को समझेंगे, तभी उन्हें समाज के प्रति कर्तव्य का बोध होगा। उन्हें गाँव से जुड़कर पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के बीमारियों की पहचान एवं उपचार, आधुनिक तरीके से पशुपालन, सही विपणन, खाद्य सुरक्षा मानकों इत्यादि के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण देना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय को किसान सहायता केंद्र भी खोलना चाहिए, जिससे कि दूरस्थ पशुपालकों की समस्याओं का समाधान एवं महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सके। हमें अन्य किसानों को प्रोत्साहित कर पशु एवं मत्स्य पालन में सम्मिलित करना होगा। विश्वविद्यालय को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करके किसानों को पशु विज्ञान से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है तथा किसानों को पशुधन से अधिक लाभ मिल सकता है। मैं मानता हूँ कि पशु विज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पोषक तत्वों की परिपूर्ण दूध, अंडा और मछली की उपलब्धता बढ़ाने से प्रदेश में महिला एवं जो बाल कुपोषण को रोका जा सकेगा। आजकल देश के अनेक भागों में लावारिस गौवंश की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मात्र एक ट्रैक्टर कई बैलों को अनुपयोगी बना देता है। इस मशीनीकरण के युग संभिज्ञ और निरपेक्ष भूखे प्यासे मवेशी फसलों को नुकसान पहुँच जाते हैं। भारत की आधुनिक खेतीहर संस्कृति का है दुष्चक्र किसान के जीवन में गौवंश को पुनः लाभकारी बनाकर ही टाला जा सकता है। गैर दुधारू पशु गोबर, गौमूत्र और पशु शक्ति दे सकते हैं। गोबर से यदि गोबर गैस बनाई जाए तो अच्छी खाद भी मिलेगी और ईंधन भी मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता है। तीसरे कृषि रोड मैप में जैविक खेती सरकार की प्राथमिकता है। जैविक कॉरिडोर बनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में और बहुत बेहतर तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। बड़े स्तर पर गैस को हम व्यावसायिक रूप से सिलेंडर पैक करके उसे हम उपयोग में ला सकते हैं, जिसका प्रयोग रसोई के ईंधन से अलावा वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। इससे पेट्रोलियम आयात में कमी आएगी, स्वच्छ ईंधन भी उपलब्ध होगा। गौमूत्र को जीवामृत खाद बनाकर आय का साधन बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशु वैज्ञानिक नए प्रयोग के रास्ते सुझा सकते हैं और सरकार को पॉलिसी तैयार करने में अपनी विशेषज्ञ सलाह प्रदान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गाय की उपयोगिता और गाय के महत्व को भारतीय कृषि और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगली पीढ़ी तक शिक्षा के माध्यम से पहुंचाने में आप सहायक सिद्ध होंगे। मुझे खुशी है कि देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। पशु मत्स्य
के लिए केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया जाकर पशुपालन के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की है। राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनाया गया है। कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पशुपालन मत्स्य पालकों को पहली बार कृषि किसानों का जो केसीसी लोन दिए जाते हैं उसी तरह से सरकार ने ऐलान किया है कि जो पशुपालक राज्य में है देश में है मत्स्य पालक हैं उनको भी केसीसी की सुविधा 3 लाख रुपये तक 4% के मात्र ब्याज पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार की योजना है। FMD तथा कृत्रिम गर्भाधान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में शुरू किया गया है जो आने वाले समय में इसे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि यह वर्ष हम भारतवासियों के लिए और जो दुनिया के कोने कोने में भारत के लोग रह रहे हैं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा सिद्धांत को स्वीकार किया था जिसमें शैक्षणिक विषयों के रूप में कृषि बागवानी पशुपालन ग्रामीण उद्योग इत्यादि पर जोर दिया था जिससे ग्रामीण विकास को एक गति मिल सके। उनके अनुसार छात्रों को अपने विभिन्न शिक्षाविदों के साथ साथ स्व सहायता आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा जैसे मूल्यवान सिद्धांतों को सीखना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विद्यार्थियों के समाज सेवा पर बल दिया था। उन्होंने भी कहा था कि समाज सेवा के लिए सबसे पहली जरूरत चरित्र बल की जाकर के। मैं मानता हूँ जब आप सब अपने समाज और देश के प्रति संवेदनशील रहेंगे आप निश्चित तौर पर मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज जो हमारे जो छात्र छात्राओं के द्वारा जो यहाँ जो डिग्री प्राप्त कर उपाधि से विभूषित हुए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपील करता हूँ कि आपके कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदेही है जिम्मेवारी है हमारा राज्य भी विकास के पथ पर अग्रसर जाकर के। यहाँ के किसानों के समक्ष अभी भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। प्रदेश के अंदर तक किसान दिन रात कठिन परिस्थिति में मेहनत करके देश एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका फर्ज है कि आप किसानों के चुनौतियों को उनकी परेशानियों को कम से कम करने में उस अवसर में बदलने में अपनी शिक्षा का उपयोग करेंगे उनसे इससे आने वाले समय में आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं अंततः राष्ट्र के विकास में आपका बेहतर योगदान होगा जाकर के। समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा का भरपूर उपयोग कर आप देश के विकास और प्रगति के लिए करेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सभी सफलता के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम जय विज्ञान जय अनुसंधान। धन्यवाद मंत्री जी। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे महामहिम कुलाधिपति से अध्यक्षीय भाषण के लिए आग्रह करें। मैं महामहिम कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय कृषि एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, दीक्षांत भाषण के लिए पधारे कृषि जगत के विद्वान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर मंगला राय जी, अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी जी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के समस्त
वरीय पदाधिकारीगण, वैज्ञानिक विद्यार्थीगण एवं कर्मचारीगण, उपाधि प्राप्त करने के लिए आए सभी विद्यार्थी और उनके परिजन, मीडिया के प्रतिनिधि, माताओं एवं बहनों, साथियों, बिहार की धरती प्राचीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। हजारों वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश के छात्र पढ़ने के लिए आते रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में नए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थापना की जा रही है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी कड़ी की एक उदाहरण है। इस नवोदित विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकों एवं डिग्री तथा पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पशुपालन भारतीय कृषि का अभिन्न अंग रहा है। पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहित कर हम अग्रणी ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों किसानों को पशुपालन के को रोजगार और आर्थिक विकास को जोड़ सकते हैं। पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो या मधुमक्खी पालन हो, इन पर किया गया निवेश ज़्यादा मुनाफा देता है। पशुओं मत्स्य विज्ञान में शिक्षा का शोध प्रसार एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता विकास हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना की स्थापना की गई है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के शोध परियोजनाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि शोध परियोजनाओं में सकारात्मक परिणाम से हमारे किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहायता मिलेगी। देश एवं राज्य में देसी नस्ल की गायों को समर्थन हेतु भूण प्रत्यारोपण तकनीकी की एक परियोजना इस विश्वविद्यालय में चलाई जा रही है। उम्मीद है हमारे बिहार राज्य की देसी नस्ल की गाय बछौर संरक्षण में यह परियोजना सहयोग देगी। विश्व बैंक एवं ICAR के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना इस विश्वविद्यालय में चल रही है, जिसमें यहाँ के शिक्षा और अनुसंधान के अवसर में वृद्धि होगी। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पशु चिकित्सालय के पालतू एवं अन्य पशु पक्षियों को समुचित इलाज हेतु आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे बताया गया कि यह पशु चिकित्सा में पशु प्रजनन शल्य चिकित्सा एवं स्टेम सेल द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था की है। दुधारू पशुओं के मुर्गियों तथा शुकर की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को लेकर डेयरी उत्पादों के विभिन्न प्रकारों को विस्तार देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के पशु एवं पक्षी पालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध प्रौद्योगिक विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर बेरोजगार युवकों को, गरीब किसान एवं महिलाओं को रोजगार योग्य बनाता है। किसान मेला, गोष्ठियां, दूरदर्शन एवं रेडियो में आदि के माध्यम से तकनीकी जानकारी दी जाती है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय में पशु आपदा प्रबंधन पर भी बिहार राज्य की सभी पशु चिकित्सकों को समुचित प्रशिक्षण दिया है। ये सभी प्रयास किसानों की आय को दुगुना करने में सहायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यथासमय राज्य में विश्वविद्यालयों के एवं कुलपतियों से मिलता रहता हूं तथा शिक्षा सुधार पर जोर देता रहा हूं। हमने सभी विश्वविद्यालयों में
स्वच्छता अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर हर परिसर को हरा परिसर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्षगांठ के अवसर पर भी हमने संकल्प लिया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जल शक्ति कैंपस और स्वच्छ कैंपस अवधारणा को साकार किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के गांवों को गोद लेकर जल शक्ति ग्रामीण ग्रामों को सपने को भी साकार करना है। स्वच्छ एवं सफाई जल संस्थान कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा संस्थानों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य सरकार भी जल संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। एकेडमिक और परीक्षण कैलेंडर के अनुसार समय पर नामांकन वर्ग संचालन परीक्षा संचालन करने के लिए सभी कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप ये सभी कार्य भली भांति कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप आज के दीक्षांत समारोह में दीक्षांत कर उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। दीक्षांत समारोह को शिक्षा की समाप्ति ही नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे तो अपने ज्ञान की अभिवृद्धि में प्रेरक माना जाना चाहिए। आज का युग ज्ञान का युग है, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जागृत रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, आप उसका पूरा सदुपयोग करेंगे। आपने जो लक्ष्य चुना है, उसे पाने के लिए पूरा निष्ठा और एकाग्रता के साथ काम करेंगे। आप अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आगे बढ़ें और अपनी सफलता की कहानी स्वयं लिखें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्रदान करने वाले सभी विद्यार्थियों को तथा उनके शिक्षकों को पुनः बधाई देता हूं और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, यहां पर उपस्थित आप लोग सब लोग विद्वान साथी हैं। आज जो शिक्षा ग्रहण करके हमारे बीच से जा रहे हैं, वो भी समाज के सबसे योग्यतम लोगों में गिने जाएंगे। मैं दो बात कहना चाहता हूं दोस्तों। पहले तो मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि मत्स्य के क्षेत्र में बता रहे हैं कि हम पूरा आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो मुझे सुन करके थोड़ा आश्चर्य महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का रहने वाला हूं, आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूं, जहां की हमारे बगल के ही जो है मुख्य वक्ता बाबू मंगला राय जी गाजीपुर के रहने वाले, हम लोगों का लगा जिला हुआ है, जिला है। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने बिहार में तो मत्स्य पर आत्मनिर्भर हो गया बिहार, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहां पर एक ट्रक मछली न गिरती हो। डेली की बात अभी भी मैं बता रहा हूं, हमारे यहां कोई इस तरह का प्रगत नहीं हो पाई। हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश भी जो है आत्मनिर्भर बन जाए। और मैं यहां के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इसमें काम किया है वो बधाई के पात्र वास्तव में है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध
ये तीनों ऐसे ऐसे कार्य है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समृद्ध बनाया जा सकता है और गांवों में जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, स्किल किसी मामले में उनकी जानकारियां नहीं है, उन लोगों को भी इसमें काम में लगाया जा सकता है और उनको भी रोजगार दिया जा सकता है। एक बार हम लोग जो है कहला कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब मेरे पास पशुपालन मंत्रालय और दुग्ध और मत्स्य था, तो हम लोगों का एक अधिकारियों का और आईएएस अधिकारी चार पांच थे और हम लोग दो तीन मंत्री थे, वह आंध्रा में गए थे। तो आंध्रा में हम लोगों ने देखा कि यहां देख के गए थे जो है कहला कि यहाँ पर हर जगह मंडियों में मछली जो है कला आंध्रा की आती है, तो हम लोग देखने गए थे कि कहाँ आंध्रा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ यह मत्स्य का इतना अधिक पालन होता है। वहाँ जब हम लोग पता लगाया तो उन्होंने पता कि साहब हमारे यहाँ मत्स्य पालन के लिए हम लोग कहे कि हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को अनुदान दिया जाता है पोखरा तालाब बनाने के लिए जिसमें मत्स्य पालन करने के लिए दिए जाते थे, ग्राम सभा की तरफ से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उनको सरकारी जमीनें देती थी पट्टे पर, लेकिन प्रगति उतना नहीं हो पाई जितना सरकार ने प्रयास किया। हम लोग पूछे उन लोगों से कि भाई आखिर क्यों आपके यहां जो है कला हम लोग तो हमारे यहां इतना प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि उत्तर भारत के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा कारण मत्स्य का उनकी बढ़ोतरी कम होना इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जाड़ा के दिनों में 3 डिग्री 2 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक टेम्परेचर होता है और गर्मी के दिनों में 40 से लेकर 48 डिग्री का टेम्परेचर होता है जिसमें मछलियों को उनका वजन की बढ़ोतरी बहुत ही कम होती है उस जमाने में, इसलिए वहाँ सफलता में बाधक है पड़ता है। लेकिन हम लोग जहाँ से आए हैं, हम लोग का ये बगल में घर है जो कहला कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो यहाँ से वहाँ की कोई दूरी में और एटमॉस्फियर में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अगर इन परिस्थितियों में परिस्थितियों में जो है अगर ये काम अचीवमेंट कर लिया तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है और बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पशुओं का जो हमारी पुरानी जो जीन पशुओं की है जो सबसे मजबूत जीन मानी जाती है, वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो है अलग जो हमारे ज्यादा दूध के चक्कर में हम जो है कला उनको त्यागते गए और जो है कला नए जीन को जो है अपने यहां पालते गए। आज अगर सबसे ज्यादा अगर बांझपन अगर है तो जो नए जीन हमको अपनाए हैं उस जीन में ज्यादा जो है कला कि बांझपन का रोग है और अधिकांशतः पशुओं में बीमार रहने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे पुराने जीन को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए कि जीन हमारा जो पुराना है वो जीवित रहे और जिससे हमारा जो गौवंश है या महिष मंची है वो पशु जो है कला हमारे संरक्षित रहे। ये जगह जगह पर ऐसे क्षेत्र रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं और न मैं बिहार के बारे में इतना जानता हूं कि कहां यहां पर ये कौन से क्षेत्र में यहां की गायें जो है कला कि अच्छी होती थी जो पुरानी जीन की है, अच्छी भैंसें पैदा होती थी वो मुझे जानकारी अभी नहीं है। मैं तो अभी आज थोड़ा सुना हूं तो थोड़ा उसी पर मैं कुछ कह रहा हूं,
लेकिन ये जरूर है कि ये हमारे टुकड़े टुकड़ों में, अब जैसे उत्तर प्रदेश में साहिवाल नस्ल की गायें, हमारी देसी नस्ल की जो इटावा की जो गायें, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों की गायें जो पुराने नजीद की है, उनमें जो है कहला कि इतनी गुणवत्ता है कि उनके दूध से लेकर के उनके बीमार रहने और उनके जो है बांझपन की संख्या भी बहुत कम है, इसलिए उस जीन को, हमारे जो पुराना जीन जो है, उस जीन को हमें कतई छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो अध्यक्षीय भाषण कर रहा था, मुख्य वक्ता विद्वान बहुत है, देश अफ्तर के विद्वान, और मैं समझता हूँ कि कृषि के बारे में, कृषि क्षेत्र में रहे भी हैं और ये विद्वान होने के नाते इनको कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों के बारे में बहुत जानकारी है। आप लोगों के बीच में भाषण दे चुके हैं, मुझे तो अध्यक्षीय भाषण में आपको केवल धन्यवाद देने की कहा गया है, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं महामहिम कुलाधिपति से अनुरोध करता हूं कि आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है शोभा यात्रा की वापसी तक अपने स्थान पर खड़े रहें। एकेडमिक प्रोसेशन इज लीविंग द हॉल। आप सभी का।
इस हॉल के बाहर भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया लंच लेके ही यहाँ से पधारें।